मैं सेशन स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। लास्ट अपन पढ़ रहे थे सीआईडीआर। सीआईडीआर क्या है? डायनेमिकली डायनेमिक मेथड है आईपी एड्रेसेस को असाइन करने के लिए, ठीक है। इसके अंदर थ्री रूल्स हम पढ़ रहे थे कि इसको असाइन कैसे करते हैं, कि जितने भी, फर्स्ट रूल क्या है इसमें, जितने भी मेरे आईपी एड्रेसेस होंगे, एम आई ऑडिबल? यस मैम। यस मैम। जितने भी आईपी एड्रेसेस होंगे वो क्या होंगे? कंटिन्यूस रेंज में होंगे। सेकंड रूल क्या बोलता है कि जितना उस ब्लॉक का साइज कितना होगा, जितने मेरे टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस होंगे, और वो क्या होंगे? 2 की पावर में होने चाहिए। 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3 एंड सो ऑन। और थर्ड रूल क्या बोलता है उसका, कि उस ब्लॉक का जो फर्स्ट आईपी एड्रेस है वो टोटल ब्लॉक साइज से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। एक एग्जांपल के थ्रू अपन देखते हैं, इसको देखेंगे अभी कि कैसे सीआईडीआर को फॉर्म करते हैं अपन, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करने का फॉर्म क्या है? a.b.c.d/n, ठीक है। नॉर्मल ए बी सी डी जो है वो क्या है? अपना आईपी एड्रेस, जैसे अपन ने पहले पढ़ा था 200.2.0.1, ठीक है। और स्लैश एन यहाँ पे क्या डिफाइन कर रहा है? अपना आईपी नेटवर्क प्रीफिक्स। ये हमें ये बताता है कि कितने नंबर ऑफ बिट्स जो है उस एड्रेस में नेटवर्क के लिए यूज किए जाएंगे। नंबर ऑफ बिट्स यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नेटवर्क, और जो रिमेनिंग बिट्स होंगे इस एन के अलावा इस पूरे एड्रेस में, वो किस लिए यूज करेंगे हम? होस्ट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू अपन देखते हैं कि एक आईपी एड्रेस है मेरे पास, या फिर मैं बोलूं सीआईडीआर है 20.10.30.35/27, ठीक है। तो मैंने अभी क्या बताया था, स्लैश के बाद जो भी लिखा हुआ होगा वो क्या डिफाइन करेगा कि कितने नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो मेरे नेटवर्क में यूज होने वाले हैं। तो 27 बिट्स आर यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नेटवर्क, और रिमेनिंग 5 बिट्स जो होंगे वो किस लिए यूज करेंगे? होस्ट के लिए। तो ये जो मेरा आईपी एड्रेस था, इसका मैंने बाइनरी कन्वर्जन यहाँ लिखा हुआ है नीचे, और ये जो मैंने रेड से हाईलाइट किए हुए हैं, ये रिमेनिंग वो 5 बिट्स हैं जो होस्ट के लिए हम यूज करेंगे। बाकी की ये जो 27 बिट्स हैं, ये किस लिए यूज आएंगे? नेटवर्क के लिए, ठीक है। तो मेरा आईपी एड्रेस क्या हो जाएगा? बाकी सारे बिट्स को मैं छोड़ दूंगी, 27 बिट्स को मैं छोड़ दूंगी, वो नेटवर्क के लिए यूज होंगे। और 5 बिट्स जो होंगे, जो स्टार्टिंग एड्रेस कहाँ से, उसकी 00 से, और लास्ट एड्रेस क्या जाएगा उसका, सारे 1 हो जाएंगे। तो जब इसको मैंने डेसिबल में कन्वर्ट किया, तो ये जो वैल्यू है वो 32 में कन्वर्ट हो गई, और ट्रिपल ये जो 1 है, 5 times जो 1 है वो कितना हो गया? 63, ठीक है। तो टोटल रेंज कितनी हो गई मेरी सीआईडीआर की? 32 से 65। इतने एड्रेस में डिफाइन कर सकती हूँ, इतने होस्ट में इसमें कनेक्ट कर सकती हूँ, ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट है अपना इंटरनेट वर्किंग, ठीक है। ये इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है जो अपन पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि जितने भी नेटवर्क्स के बारे में हम पढ़ रहे थे, हम ये अज्यूम करके चल रहे थे कि वो होमोजेनियस है, दैट मींस उनमें सेम प्रोटोकॉल्स यूज हो रहे हैं ईच लेयर पे, इसीलिए प्रोटोकॉल का कोई भी इशू नहीं आ रहा। बट रियल में क्या होता है? ऐसा नहीं होता है, ठीक है। न्यूमरस प्रोटोकॉल्स आर इन वाइड स्प्रेड यूज अक्रॉस दीज नेटवर्क इन एवरी लेयर। बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स हम यूज करते हैं अलग अलग लेयर पे और अलग अलग नेटवर्क पे, ठीक है। तो इंटरनेट वर्किंग में क्या है, हम इसी प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम जनरली आती हैं, ठीक है। और इन नेटवर्क्स द पर्पस ऑफ ज्वाइनिंग ऑल दीज नेटवर्क इज टू अलाउ द यूजर ऑन एनी ऑफ देम टू कम्युनिकेट विद यूजर ऑन ऑल द अदर वंस, ठीक है। अब इन नेटवर्क्स को ज्वाइन करने का पर्पस क्या है, ताकि हमारे जितने भी यूजर्स हैं वो क्या करें, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें और डेटा एक्सचेंज कर सकें, ठीक है। लेकिन क्या है कि जो भी डेटा शेयरिंग है, या मैं बोलूं जो भी पैकेट शेयरिंग है अपनी नेटवर्क में, वो क्या इतना इजी नहीं है, क्योंकि सबके प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पर पर्टिकुलरली इस टॉपिक में, इंटरनेट वर्किंग में, हम नेटवर्क लेयर के प्रोटोकॉल्स की बात करने वाले हैं कि वहां पे जनरली क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, और उसको ओवरकम करने के लिए हम क्या क्या टेक्निक्स यूज करेंगे। देन वी शैल सी द अप्रोच यूज टू सक्सेसफुली बाय आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल द नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट, ठीक है। तो 3 टेक्निक्स हम यूज करने वाले हैं। फर्स्ट है अपनी टनलिंग, ठीक है। नेक्स्ट है अपना राउटिंग
एंड देन है अपना पैकेट फ्रेगमेंटेशन. इसका और डिटेल में आपको मैंने नोट्स प्रोवाइड कराए हैं, आप उसमें से पढ़ लेना जो पीडीएफ मैंने आपको भेजी है. बाकी एक समराइज फॉर्म में मैं आपको बता रही हूँ कि ये किस तरीके का काम कर रहा है, इंटरनेट वर्किंग में क्या प्रॉब्लम्स और क्या इश्यू आएंगे. ठीक है, फर्स्ट है अपना टनलिंग. टनलिंग कब यूज करेंगे, जब क्या होगा हमारा जो एक पार्टिसिपेंट है वो दूसरे टाइप का आईपी एड्रेस फॉर्मेट यूज कर रहा है और जो नेटवर्क है वो क्या कर रहा है दूसरे टाइप का, उसका प्रोटोकॉल डिफरेंट है पहले वाले से. ठीक है, तो ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि मेरा एक होस्ट है जो पेरिस में है वो क्या है IPv6 को यूज कर रहा है. ठीक है, और दूसरा होस्ट जो लंदन में है वो भी IPv6 को यूज कर रहा है, बट इन बिटवीन जहां से वो पैकेट ट्रेवल होगा वहां पे मेरा IPv4 को हम यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो क्या होगा कि जब पेरिस वाले को लंदन वाले को डेटा भेजना होगा तो क्या होगा वहां पे हम टनलिंग परफॉर्म करेंगे. ठीक है, इस केस में हम ये ज्यूम करके चल रहे हैं कि जो भी हमारा सोर्स और डेस्टिनेशन है इन दोनों के प्रोटोकॉल सेम टाइप के हैं, सेम टाइप ऑफ नेटवर्क ये यूज कर रहे हैं. हाँ बोले जय माता दी. यस, क्या इशू है बोलो. चैट में टाइप कर दो क्या दिक्कत है बोलो. सत्यम बोलो. मैम आपने कहा कि एक लंदन में एक पेरिस में. आपकी वॉइस ऑडिबल नहीं है. मैम आपने कहा कि दो लोग हैं, एक लंदन में एक पेरिस में. ओके, दोनों ने होस्ट करा नेटवर्क IP6 पर. IPv6 यूज कर रहे हैं ये okay, दोनों. अब पर जिस नेटवर्क के थ्रू पैकेट हमारा ट्रेवल होने वाला है, इन बिटवीन जो नेटवर्क है ये क्या है, इन दोनों के कुछ स्मॉलर नेटवर्क्स हैं जहां से ये कनेक्टेड है. ठीक है, और इन दोनों के बीच में एक और बड़ा नेटवर्क लगा हुआ था, वो जो नेटवर्क है वो IPv4 वर्जन को यूज कर रहा है. मैम तो बीच में जो गेटवे लगा हुआ है वो IP6V को IPv4 में कन्वर्ट करके फिर वापस से उस डायरेक्शन में जा रहा है. उन तो लो वही बता रही हूँ मैं कि क्या प्रोसेस होगा, किस तरीके से कन्वर्जन होगा इसका. ठीक है, अभी सिर्फ मैंने इतना बताया है कि जो मेरा होस्ट पेरिस में है वो IPv6 यूज कर रहा है और लंदन में वो भी सेम प्रोटोकॉल यूज कर रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच में जो नेटवर्क बना हुआ है वो IPv4 को यूज कर रहा है. ठीक है, तो अब क्या होगा कि जो मेरा होस्ट पेरिस में है उसको लंदन वाले को जब पैकेट भेजना है तो वो क्या करेगा, द होस्ट इन द पेरिस ऑफिस कंस्ट्रक्ट द पैकेट कंटेनिंग एन IPv एड्रेस इन द लंदन. वो एक पैकेट फॉर्म करेगा जिसमें लंदन वाला जो होस्ट है उसका IPv6 एड्रेस स्टोर करेगा और उसको क्या करेगा, जो राउटर अपना लगा हुआ है, ठीक है, बीच में जो अपना राउटर लगा हुआ है ये वाला जो राउटर है उसको सेंड कर देगा. ठीक है, और जब क्या होगा, जैसे ही वो राउटर उसको रिसीव कर लेगा तो वो क्या करेगा, उस पैकेट को एनकैप्सुलेट कर देगा IPv4 हेडर के साथ. ठीक है, हेडर मैंने डिस्कस किया था, वो क्या करेगा अपनी IPv4 हेडर वाली इंफॉर्मेशन स्टोर कर देगा और IPv6 को IPv4 के अंदर एनकैप्सुलेट कर देगा. ठीक है, नेक्स्ट क्या करेगा, वो उसको आईपीवी जो लंदन वाला अपना होस्ट है उसके नेटवर्क में ट्रांसमिट करेगा. ठीक है, जब वो उस नेटवर्क के पास पहुंच जाएगा तब जो सेकेंड राउटर अपना है, सेकेंड राउटर क्या करेगा अपना ये वाला जो राउटर है, ठीक है, ये राउटर क्या करेगा, वो जो पैकेट था उसको अनरैप करेगा और वहां से क्या करेगा, जो IPv6 जो पेरिस ने अपना पैकेट भेजा था उसको क्या कर लेगा, एनकैश कर लेगा, वहां से उसको निकाल लेगा, अनरैप कर लेगा. ठीक है, और क्या करेगा, जो भी उसमें डेस्टिनेशन एड्रेस लिखा हुआ है उसको वो ये वाला राउटर सेंड कर देगा. समझ आया. ठीक है, तो ये जो रैपिंग हुई हमारे बीच में पहले, यहां से जब यहां तक पैकेट गया फर्स्ट राउटर तक, फिर जो पैकेट हमारा एनकैप्सुलेट हुआ IPv4 के साथ, इसी को हम क्या बोलते हैं, टनलिंग.
अब समझ आया सत्यम? राइट मैम, बट आपने कहा टनलिंग तो ठीक है, लेकिन IPv6 से जो होस्ट करा हुआ नेटवर्क था, ओके, उसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी. अगर वो जो स्पेसिफिक वैल्यू जो है, जो आईपी उसने बनाई लंदन वाले ने, और वही मैं आईपी क्या कहते हैं, आईपी पेरिस से लंदन जा रहा है, ओके, तो मैंने पेरिस में IPv6 से होस्ट करा मैंने, ओके, इसकी एक आईपी बनी, एंड फिर वही आईपी को मैंने मतलब उससे पूछ लिया कि भाई तेरी आईपी क्या थी, एंड मैंने फिर वो लंदन में जाके वही आईपी उस सिस्टम में भी डाल दी. सो टनलिंग की प्रोसेस हम खत्म कर सकते हैं इसमें? टनलिंग की प्रोसेस खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि बीच में जो नेटवर्क है ना वो IPv4 है. ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, IPv4 में अपन 32 बिट का एड्रेस यूज करते हैं और IPv6 में 128 का. तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो इस नेटवर्क के थ्रू डायरेक्ट ट्रेवल हो जाए लंदन वाले के पास. इसीलिए हमने क्या किया कि उसको एनकैप्सुलेट किया IPv4 के साथ, ताकि वो जो लंदन वाला अपना होस्ट है उसका जो राउटर है वो कम से कम वहां तक पहुंच जाए. समझ आ रहा है? फिर वो जो राउटर है उसकी जो उसके जो भी रूल्स होंगे वो क्या करेगा, उसको अनरैप करेगा और IPv4 को साइड हटा देगा, वो जो हेडर था उसको डिस्कार्ड कर देगा और उसको रियल IPv6 में कन्वर्ट कर देगा. फिर उसका एड्रेस चेक करेगा कि किस डेस्टिनेशन का है ये, और उसको भेज देगा उसके पास. गॉट इट? यस मैम. ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है हमारे पास, राउटिंग की. अब क्या होता है कि सारे अपने अलग अलग राउटिंग एल्गोरिथम यूज करेंगे जितने भी होस्ट होंगे नेटवर्क लेयर पे. ठीक है, कोई हो सकता है लिंक स्टेट यूज करे, कोई डिस्कस्टर यूज करे, कोई भी मतलब अलग अलग टाइप के एल्गोरिथम यूज करेंगे सब अपने रूट्स फाइंड करने के लिए. तो यहाँ पे क्या हो गया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, क्लैशेस हो जाएंगे कि किस पैकेट को किस रूट के थ्रू ट्रेवल करना है, कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ है. मैंने कुछ और कैलकुलेट किया, आपने कुछ और कैलकुलेट किया, तो क्या होगा, बहुत सारे राउटिंग इश्यूज आ जाएंगे नेटवर्क में. इसीलिए क्या किया, जो भी नेटवर्क होते हैं, जो भी क्या बोलूं स्मॉलर नेटवर्क होते हैं, वहां पे क्या करते हैं, हम इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल यूज करते हैं इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए. और अक्रॉस द नेटवर्क, जिस नेटवर्क के थ्रू वो पैकेट ट्रेवल करेगा, वहां पर हम क्या करते हैं, एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल यूज करते हैं. इस डायग्राम के थ्रू ही मैं अगर देखूं तो मेरा ये वाला जो पोर्शन है, पेरिस वाला जो पोर्शन है IPv6 का, यहाँ पर मैं क्या करूंगी, इंटीरियर प्रोटोकॉल्स यूज करूंगी, और जो IPv4 वाला है यहाँ पर मैं एक्सटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल्स यूज करूंगी. ठीक है, और जो एक्सटीरियर प्रोटोकॉल होता है, एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल को हम क्या बोलते हैं, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल भी बोलते हैं. नेक्स्ट अपना लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, पैकेट फ्रेगमेंटेशन. उसके बाद अपनी यूनिट खत्म हो जाएगी. मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए, आप उससे पढ़ लेना प्लीज. सेम यही लिखा हुआ है, मैंने थोड़ा शॉर्ट में यहाँ पर डिस्कस किया है जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं. बाकी मैं प्रेजेंटेशन भी आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप चाहो तो इसे पढ़ लेना. बाकी डिटेल में मैंने जो PDF प्रोवाइड, मैम जो आप इस प्रेजेंटेशन से पढ़ा रहे हो ना, ये प्लीज आप ग्रुप में शेयर कर दीजिए. मैंने ग्रुप में शेयर करी है और कल भी करी है, अगर आपने देखा हो तो. कल मैंने एक RTU का पेपर शेयर किया है और यूनिट 3rd, 4th, 5th के नोट्स भी शेयर किए हैं मैंने, और कल वाला पेपर yes, और आज वाला भी मैं शेयर कर दूंगी. पर RTU okay, ma'am, thank you. डिटेल स्टडी करनी है तो वो जो मैंने PDF और वर्ड फाइल भेजी है आप उससे पढ़ना. बाकी okay, ma'am. आपको जानना है कि ये टॉपिक क्या है तो आप मेरी इस PPT से पढ़ लेना. ठीक है, नेक्स्ट है अपना फ्रेगमेंटेशन. अब क्या होता है कि जितने भी हमारे नेटवर्क में होस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल पैकेट साइज को भेजना चाहते हैं. लार्जेस्ट पॉसिबल जो भी उसका पैकेट साइज है वो उसको सेंड करना चाहता है, ताकि वो अपनी बैंडविड्थ को सेव कर सके. ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या आती है कि कई सारे नेटवर्क ऐसे होते हैं वो जरूरी नहीं है कि उस लार्जेस्ट पैकेट को क्या कर सके, होल्ड कर सके या वो अपने थ्रू उसको पास कर सके. ठीक है, नेटवर्क हुज मैक्सिमम पैकेट साइज इज 0, वहां पे क्या प्रॉब्लम आती है इस पैकेट को सेंड करने में. ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए क्या किया कि कुछ नेटवर्क्स के लिए हमने मैक्सिमम पाथ ट्रांसमिट यूनिट डिफाइन कर दी, कि इतने जो भी पैकेट है उसका पर्टिकुलर एक साइज डिफाइन कर दिया हमने, कि इतने साइज के पैकेट्स ही आप ट्रांसमिट कर सकते हो. ठीक है, बट ये क्या था, ये कोई मतलब बहुत अच्छा सोल्यूशन नहीं था, क्योंकि जरूरी नहीं है सारे नेटवर्क्स उसको फॉलो कर सके कि भाई हमारा तो मैक्सिमम इतना ही जो होगा पैकेट का साइज होगा.
ठीक है, तो इसके लिए एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन निकाला था, वो था फ्रेगमेंटेशन, कि जो भी पैकेट होगा हमारा हम क्या करेंगे, हम उसको फ्रेगमेंट कर देंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और उसके बाद उस नेटवर्क के थ्रू हम सेंड करेंगे। ठीक है, दो टाइप से हम फ्रेगमेंटेशन परफॉर्म करते हैं, ट्रांसपेरेंट फ्रेगमेंटेशन एंड नॉन ट्रांसपेरेंट फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, ट्रांसपेरेंट फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, विद ट्रांसपेरेंट फ्रेगमेंटेशन एंड होस्ट आर अनअवेयर ऑफ द फ्रेगमेंटेशन दैट हैज टेकन प्लेस। दैट मींस कि जो भी इन बिटवीन फ्रेगमेंटेशन होगा, जब पैकेट नेटवर्क्स के थ्रू ट्रेवल करेगा तो क्या होगा, जो भी हमारे होस्ट होंगे उनको कुछ भी पता नहीं चलेगा। अ गेटवे फ्रेगमेंट्स अ पैकेट एंड नेक्स्ट होप गेटवे ऑन द सेम नेटवर्क रीअसेंबल्स द फ्रेगमेंट। दैट मींस क्या होता है कि एक गेटवे तो उस पैकेट के फ्रेगमेंट करता है और दूसरा गेटवे क्या कर देता है, उस पैकेट को वापस से रीअसेंबल कर देता है। पूरी प्रोसेस के थ्रू यही चलता रहता है, एट द एंड क्या होता है, वो पूरा असेंबल हो जाता है और डिलीवर हो जाता है। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यूजर को यहाँ पे पता ही नहीं, मतलब इन बिटवीन जितने भी गेटवेज हैं उनको पता ही नहीं चलता कि पैकेट का फ्रेगमेंटेशन परफॉर्म हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना नॉन ट्रांसपेरेंट फ्रेगमेंटेशन। नॉन ट्रांसपेरेंट में क्या होता है कि यहाँ पे स्प्लिटिंग या फ्रेगमेंटेशन हम परफॉर्म करेंगे और यहाँ पे क्या हो गया, वापस से उनको असेंबल नहीं करेंगे, पूरे नेटवर्क के थ्रू वो फ्रेगमेंट्स ही ट्रेवल करेंगे अपने। ठीक है, और ये जो फ्रेगमेंट्स है क्या करेंगे, डिफरेंट रूट्स के थ्रू ट्रेवल कर सकते हैं। जब ये डेस्टिनेशन के पास पहुंच जाएंगे सारे फ्रेगमेंट कलेक्ट होकर के, उसके बाद इनको असेंबल किया जाएगा, तब फिर ये रिसीव होंगे। डायग्राम के थ्रू आप देखो मेरा एक पैकेट था, आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, जब वो जीवन राउटर के पास गया तो उसने क्या किया, उसमें फ्रेगमेंटेशन परफॉर्म किया। नेक्स्ट जब इसने फ्रेगमेंटेड पार्ट G2 राउटर को भेजा तो इसने क्या किया, सबको असेंबल कर दिया और असेंबल करके उसने नेटवर्क में भेज दिया। नेक्स्ट G3 ने फिर उनको क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया या फ्रेगमेंटेशन परफॉर्म कर दिया। नेक्स्ट G4 ने उनको फिर असेंबल कर दिया और लास्ट में क्या होगा, वो डेस्टिनेशन के पास पहुंच जाएगा। ये तो क्या था अपना ट्रांसपेरेंट। तो यहाँ तो क्या हो रहा था, पहले कभी तो असेंबलिंग हो रही थी, कभी स्प्लिटिंग हो रही थी, ऐसे चलता ही रहा इन बिटवीन। लेकिन नॉन ट्रांसपेरेंट में क्या होता है कि पूरे नेटवर्क के थ्रू जो स्प्लिटेड या फ्रेगमेंटेड पैकेट है वही ट्रेवल करेंगे और लास्ट में जाके उनका असेंबलिंग परफॉर्म होगी। तो मेरा जो पैकेट था G1 ने क्या किया, उसकी स्प्लिटिंग परफॉर्म करी या फ्रेगमेंट किया। G2 के थ्रू भी मेरे से फ्रेगमेंट ही ट्रेवल हुए, फिर G3 के थ्रू भी, एंड लास्ट G4 ने भी सारे मेरे जो चंक्स ही रिसीव किए या फ्रेगमेंट ही रिसीव किए। इसके बाद ये नेक्स्ट लास्ट में जाकर के सारे असेंबल हो जाएंगे और वो रिसीव हो जाएंगे डेस्टिनेशन पे। ठीक है, समझ आया डायग्राम से ट्रांसपेरेंट एंड नॉन ट्रांसपेरेंट में डिफरेंस? यस और नो? यस मैम। ठीक है, दिस कंप्लीट सो यूनिट 3। ये प्रेजेंटेशन आज मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, आप इससे पढ़ लेना, बाकी के आप अपने जो भी बुक वगैरह है, जो भी आपने बुक ली है आप उससे पढ़ लेना और जो नोट्स हैं उनसे। ठीक है, किसी को कोई इश्यू आज के लेक्चर में? नो मैम। कुछ रिपीट करना हो? नो मैम। ठीक है, तो मैं ये सेशन फिर यहीं पे एंड कर रही हूँ। अपनी यूनिट 3 कंप्लीट हो गई है, आप इसको पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, नोट्स मैंने प्रोवाइड कराई दिए हैं आपको। फिर अपन नेक्स्ट वेंसडे से यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। थोड़ा यूनिट 4 जो है वो क्या है, अपना ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर, आप उसका थोड़ा सा स्टार्टिंग का पार्ट पढ़ के आना, बाकी मैं तो पढ़ाऊंगी जो पढ़ाना है। ठीक है मैम, समझ नहीं आया, दोबारा बताना। क्या समझ नहीं आया? कौन से नोट्स बनाने हैं? नोट्स कुछ नहीं बनाने हैं, मैं कह रही हूँ जो ग्रुप में नोट्स मैंने भेजे हैं आप उनसे पढ़ लेना। अच्छा, भेज दिए क्या आपने? हाँ, आप ग्रुप में एडेड हो? कल मैंने ग्रुप में यूनिट 3rd, 4th, 5th के नोट शेयर करे हैं। कल जो पढ़ाया था उसकी PPT शेयर करी है और लास्ट ईयर RTU का एग्जाम का पेपर शेयर किया है विद सॉल्यूशन। यस मैम। तो आप वो लोग देख लेना, वहां से पढ़ लेना, और वहां से जो यूनिट 4 है उसकी जो वर्ड फाइल मैंने भेजी है वहां से थोड़ा सा पढ़ लेना उसको, हम जब वेंसडे को 4th यूनिट स्टार्ट। ठीक है, ओके मैम। सेशन एंड कर रही हूँ यहीं पर ही। थैंक यू मैम। ओके बाय।